अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा अजीज, एक और अमेजिंग और पॉजिटिव शो के साथ साग रोटी के प्लेटफॉर्म में आप सबको बहुत बहुत वेलकम करती हूं। और जिस तरह के हम हमेशा कहते हैं कि लव इज इन आवर फूड, और इस लव को हम कनेक्ट करते हैं आप लोगों की ओवरऑल हेल्थ से, बिकॉज वी लव यू सो मच। और इसीलिए हम लेकर आते हैं डिफरेंट गेस्ट आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सके। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं, और वो स्पेशल इसलिए हैं, एक तो वो मेरी टीचर भी हैं, और उनको बड़े, जैसे कहते हैं ना कि मैंने अपने ड्रीम डायरी में, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अपनी ड्रीम डायरी में उनका लिखा हुआ था कि मुझे इनसे सीखना है, मुझे इससे मिलना है, और यूनिवर्स ने उसको पूरा किया, अल्लाह ताला ने उसको पूरा किया, और मैं उनसे मिल सकी, उनसे कुछ सीख सकी। और वो ऐसी है कि उनसे लगता है कि उनके साथ अगर आप थोड़ी सी बात करें तो आप हील होना शुरू हो जाते हैं। तो शी इज़ वन ऑफ द अमेजिंग टीचर ऑफ पाकिस्तान, शी इज़ स्पिरिचुअल हीलर, रेकी मास्टर, योगा एंड मेडिटेशन कोच, और जर्नी टू जॉय में वो वेलनेस प्रोग्राम भी करवाती हैं। तो विदाउट डिलेइंग आई वुड लाइक टू वेलकम उज़्मा रमज़ान जी। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा रमज़ान जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच बुशरा, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, यू डिजर्व इट। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच उज़्मा जी। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा, मैंने तो इंट्रोडक्शन दिया है, जो हमारे देखने वाले, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आप खुद से दीजिए। Okay, जी, I am Uzma Ramzan. I'm an artist, a Reiki healer, and Journey to Joy facilitator or teacher. So, Journey to Joy एक humanitarian life-changing platform है, and our aim is to create peaceful individuals, and our mission is to see smile on every face. So, जब मैंने अपना पहला program किया था in 2006, I was going through a lot. I had insomnia, I had bulimia, I was taking a lot of medication, antidepressive. In fact, I was suicidal at one point. And वहाँ से फिर मेरी journey start हुई थी. And all of a sudden, you know, this program came into my life, and my life totally changed. This gave me a total new observation, perception, and expression for life. And it gave me much needed patience in life, and it gave me spiritual, mental, physical, and emotional energy to deal with anything what come in front of me in life. और हम इसमें आपको सिखाते हैं कि how to breathe. ठीक है ना? So सब कुछ बहुत आसान होता है. हर देखिए, मैं, मेरा ये है कि physical and mental health is available for everybody. लेकिन वो जो उसके पीछे जाएगा, जो उसके लिए काम करेगा, और खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं. ठीक है ना? तो चीजें तो सारी मौजूद हैं, लेकिन फिर काम हम सब ने अपने आप पे खुद ही करना होता है. आप सही कह रही हूँ उज़्मा जी. समटाइम्स जो है ना, हम लोग सोचते हैं कि जो है ना, इस तरह से हमें करना चाहिए, हमें अपने लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए, लेकिन वो एक्शंस भी नहीं आता. तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो एंजाइटी है, जैसे अभी आपने एक्सप्लेन भी किया कि हम मेंटल प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, जैसे कि आजकल की सिचुएशन, एंजाइटी हमारे माइंड और बॉडी को कैसे इफेक्ट करती है, और इफेक्ट करती है या नहीं, या और अगर करती है तो उसका क्योर क्या है? क्योर क्या? बिल्कुल. देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये होता क्या है. देखिए, हमारा जो माइंड है ना, आवर माइंड वैसिलेट्स बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्स्टेंटली. या आप अपने गुजरे हुए कल को सोच रहे होते हो, और उसके बारे में रिग्रेट कर रहे होते हो, और गुस्सा कर रहे होते हो, या आप अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे होते हो, और उसके बारे में वरी कर रहे होते हो, परेशान होते हो. ठीक है? तो जो कॉन्स्टेंट वैसिलेशन ऑफ माइंड है ना, ये क्या करती है? ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस का बायस बनती है. ठीक है? और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंग्जायटी एंड डिप्रेशन? बहुत ज्यादा बड़े बड़े लफ्ज हम सुनते हैं, मुझे एंग्जायटी हो गई, मुझे डिप्रेशन हो गया. इसकी क्या डेफिनेशन है? सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ही आसान लफ्जों में. इफ यू थिंक टू मच अबाउट योर पास्ट, तो वो बन जाएगा डिप्रेशन. और अगर आप अपने आने वाले कल को बहुत ज्यादा सोचोगे, तो वो बन जाएगी एंग्जायटी. तो ये डेफिनेशन है एंग्जायटी की और डिप्रेशन की. और जो जॉय है, इट्स इन द प्रेजेंट मोमेंट. प्रेजेंट मोमेंट इज सो वास्ट एंड डीप. मेडिटेशन जो है ना, वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आती है. आपका जो सांस है, वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आता है.
इश्फाक अहमद जाबिया में लिखते हैं, बाबों का बहुत जिक्र करते हैं अगर आप लोगों ने पढ़ा हो उनको, बाबा वो कहते हैं जो सूफी होते हैं, सूफी या सेंट, जो अल्लाह के प्यारे बुजुर्ग जो अल्लाह के करीब होते हैं उनको वो यूज करते हैं टर्म बाबा अपनी उसके अंदर जाविया में। तो वो कहते हैं कि मैंने बाबा से पूछा कि मोमिन कौन है, तो बाबा ने कहा मोमिन वो है जो माजी की याद में मुब्तला नहीं है और मुस्तकबिल से खौफ ज़दा नहीं है, यानी कि उस पे हाल जो है वो उस पे वाज़े है। आपने अक्सर एक टर्म सुनी होगी बुजुर्गों के लिए हम यूज करते हैं कि वो बुजुर्ग बड़े साहिब हाल है, अक्सर ये सुना होगा आपने, हम किसी बुजुर्ग की बात करें तो हम कहते हैं वो बुजुर्ग बड़े साहिब हाल है। तो क्या मतलब है इसका, यानी कि वो हाल का राज उन पे आशा है। हाल को इसीलिए तो प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज इट इज अ प्रेजेंट, इट इज अ प्रेजेंट। तो अब हमें ये तो समझ आ गई कि जी माइंड को अपने प्रेजेंट मोमेंट में रखना है, बट माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रखना है, कैसे? हमें समझ आ गया कि जो वैसिलेशन ऑफ माइंड है यही एग्जाइटी बनती है, यही डिप्रेशन बनता है। तो माइंड को कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रखना है, क्योंकि हमारा तो एक्सपीरियंस हमें बताता है कि आप माइंड को कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, माइंड की तो अपनी मर्जी है जो उसने सोचना है। जैसे बुशरा, मैं आपको भी कहूँ कि बुशरा पिंक एलिफेंट का मत सोचो, आपके माइंड में क्या आ रहा है, पिंक एलिफेंट है ना। अक्सर हमें होता है कि हम सोचते हैं कि मैंने उस शख्स का नहीं सोचना और हमें उसका ख्वाब ही आ जाएगा, ऐसे होता है। तो एक्चुअली इन द फील्ड ऑफ माइंड इज अ सिंपल लॉ, व्हाट यू रेजिस्ट इज प्रेजिस्ट, यानी कि आप दिमाग को जितना किसी चीज को रोकने की कोशिश करोगे वो उतनी ही बढ़ के आती है। तो फिर माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे आप अपने माइंड और बॉडी को आप जो हो प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आ सकते हो, क्या चीज है जो आपके माइंड और आपकी बॉडी को लिंक करती है, वो है आपका सांस। तो अब आपको समझ आ गई डिप्रेशन, एंग्जायटी, ये सारी चीजें क्या हैं और इनको कंट्रोल कैसे करना है, आपका सांस। अब दिमाग में क्वेश्चन आता होगा हर किसी के कि यार सांस तो हमारे वक्त ले रहे हैं, तो सांस से कैसे कंट्रोल करना है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे वाजे करूँ कि देखो अल्लाह ने हमें अशरफ मखलूकात क्यों बनाया है, जिनों को बनाया आग से, फरिश्तों को बनाया नूर से। हमें इतनी क्या बड़ी बात थी कि मिट्टी से बना के अशरफ मखलूकात का दर्जा दे दिया, क्योंकि जब हमें खुदा ने मिट्टी से बनाया तो हमारे में खुदा ने अपना शौर फूंका, हमारे में खुदा का सांस है, हमारे में खुदा की ताकत है, तभी तो कहते हैं कि वो हमारी शारक से भी करीब है। तो ये तो एक उस नजरिए से बात हो गई ना कि सांस की अहमियत। अगर आप इसको साइंटिफिकली देखें तो हम इस दुनिया में आते हैं, पहला काम क्या है, सांस, और जब हम इस दुनिया से जाते हैं आखिरी काम क्या है, सांस, राइट। तो फ्रॉम दिस ब्रेथ टू दैट ब्रेथ इन बिटवीन एवरीथिंग वी कॉल लाइफ, यानी कि इस सांस से उस सांस के जो दरमियान का सफर है वो है जिंदगी। और बहुत सी स्टडीज ने ये शो किया है कि 70-80% ऑफ योर टॉक्सिक एंड इम्प्योरिटीज जो है आपकी बॉडी की वो आपके सांस के जरिए रिलीज होती है, और एक आम इंसान अपनी लंग कैपेसिटी का सिर्फ और सिर्फ 30% यूज करता है। अब दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, बिल्कुल, मेरे एक क्वेश्चन अचानक सभी रेज हुआ है कि जैसे कि आप बात कर रही हैं कि सांस है हमारे लिए बड़ी एसेंशियल है और हमारी हर चीज का बेस है, तो जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं वो है, या हमें कोई स्किल सीखनी पड़ेगी, या हमें अवेयर होना पड़ेगा इस चीज के लिए? बिल्कुल, यही तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि हमारी जो लंग कैपेसिटी है, एक आम इंसान जो हम हर वक्त सांस ले रहे हैं, हम उसका 30% यूज करते हैं, यानी कि हमारी लंग कैपेसिटी के अंदर सिर्फ 30 यूज करते हैं, हमारे में इतनी कैपेसिटी होती है। जैसे देखो आप हर वक्त सांस ले रहे हो बुशरा, लेकिन पूरे दिन में एक सांस आप एक्नॉलेज करते हो, जिसे हम कहते हैं सुख का सांस, ऐसी है ना, और पूरे दिन का कोई सांस याद ही नहीं है कि सारा दिन सांस लिए जा रहे हैं बट पता ही नहीं है, वो एक सांस को हम एक्नॉलेज करते हैं। अब वही बात दिमाग में आती है कि यार मेरा तो हेल्थ का इशू है, वो सांस से कैसे ठीक होगा, मेरा तो पैसे का इशू है, मेरा तो मोहब्बत का इशू है, जो हमारे मेरा तो रिलेशनशिप का इशू है, सांस से कैसे ठीक होगा। तो उसका जवाब ये है कि ऑल आर जो हमारे इमोशंस है ना, वो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे ब्रेथ के साथ। जब आप गुस्से में होते हो आप डिफरेंट तरीके से सांस लेते हो, ऐसे ही जब आप खुश होते हो आप डिफरेंट तरीके से सांस लेते हो, सही बात है। जब आप डिप्रेशन में होते हो आप डिफरेंट तरीके से सांस लेते हो। इसको थोड़ा सा मैं आपको आसान और उसके अंदर एग्जांपल से समझाऊं, व्हेन यू आर हैप्पी एंड व्हेन यू आर इन लव,
तो क्या होता है, सबको पता चल जाता है क्योंकि आपकी चेहरा चमकना शुरू हो जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, स्माइल आ जाती है, हर कोई पूछेगा बुशरा क्या बात है, खुश हो राइट। पर अगर आप डिप्रेशन में होंगे सबसे पहले लोगों को पता चलेगा क्योंकि उनका आपका चेहरा मुरझा जाता है, आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, नो शक्ल पे आ जाता है जब आप डिप्रेशन में होते हो। तो शक्ल को कैसे पता चलता है कि आप खुश हो या डिप्रेशन में हो, कैसे? क्योंकि आपके सारे जो आपके इमोशंस हैं वो आपकी सांस के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। आपको नहीं पता बट आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर हैप्पी लंबे बड़े गहरे सांस लेती है, और जब आप सैड होते हो सब कुछ, एवरीथिंग, ऑल योर इमोशंस आर डायरेक्टली लिंक्ड टू योर ब्रेथ। वी ऑल आर सिटिंग ऑन अ ओशन ऑफ एनर्जी बट हमें पता ही नहीं है। सो बाय लर्निंग टू वर्क विद योर ब्रेथ, बाय लर्निंग टू वर्क विद योर ब्रेथ यू कैन कंट्रोल योर माइंड। ओके, इफ योर माइंड इज अ काइट, अगर आपकी माइंड जो है वो एक पतंग है ना, तो उस पतंग को जो उड़ाने की डोर है, उसको जो संभालने की डोर है वो है आपका सांस। दैट्स अ वंडरफुल एग्जांपल। सो बाय लर्निंग टू वर्क विद योर ब्रेथ यू कैन कंट्रोल योर माइंड, यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, यू कैन कंट्रोल योर फीलिंग्स, यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स, एंड बाय मैनिपुलेटिंग द ब्रीदिंग यू कैन चेंज योर इमोशंस। और अगर आप अपने इमोशंस को चेंज कर लोगे तो क्या होगा, यू कैन चेंज योर इनर सेल्फ। तो ख्यालात पे काबू पाना जो है ना वो बहुत जरूरी है। Exactly. मैं इसी पे आ रही थी कि आपने खुद ही बोल दिया कि वाकई जब हम ब्रीथ वर्क करते हैं तो क्या इसका असर आता हमारे ख्यालात पे, हमारी सोच पे भी पड़ता है? किस चीज से? क्या, सॉरी, आप दोबारा से रिपीट कर। जब हम ब्रीथ वर्क, बिल्कुल, ऑफ कोर्स ब्रीथ वर्क से आपका आपके आप यू कैन कंट्रोल योर माइंड, you can control your emotions, you can change your emotions. और जब आप अपने emotions को change कर लोगे by manipulating the breathing, जो different breathing techniques होती हैं, you can change your inner self. तो देखिए जी, हर चीज जो है ना वो ख्याल से शुरू होती है। पहले ख्याल आता है, फिर उस पर अमल किया जाता है, फिर वो आपकी आदत बनता है और आपके किरदार का हिस्सा बनता है, और उसके बाद आप अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं। All great invention in life starts from the thought. Thought leads to action. Action leads to habit. Habit leads to character. And character leads to destiny. Destiny is there. देखो, destiny तो है, but you make choices every day. Okay. जैसे for example, अगर आपको इस आसान लफ्जों में से करो कि your height is your destiny. But your weight is your choice. That's wonderful. Exactly. ठीक है ना? आपकी आपका कद जो है वो आपकी destiny है, लेकिन आपका वजन आपकी choice है. So we all make choices every day. आपने सुबह 9 बजे उठना है, it's your choice. या सुबह 6 बजे उठना है, या शाम को 6 बजे उठना है. बिल्कुल. ठीक है ना? आपने क्या, तो it's your choice. यानी कि अगर आप अपनी जो choices make करते हैं, आप उनसे अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं. बुशरा, आपने कभी सर्कस में गए हो? आप सर्कस में किसी हाथी को देखे हैं? अक्सर बचपन में गए होंगे। एक हाथी होता है, बड़ा सा, 7-8 टन का हाथी, लेकिन एक छोटी सी जंजीर के साथ बंधा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है ना, ऐसी एक उसकी टांग बंधी होती है इतनी सी जंजीर के साथ, एक इतना बड़ा हाथी। तो बेसिकली वो जो हाथी है ना, उस जंजीर के साथ नहीं बंधा होता, उस ख्याल के साथ बंधा होता है कि मैं जंजीर से निकल नहीं सकता। तो आपने देखा कि कैसे जो माइंड है वो मैटर की ओर रूल करता है। माइंड आपके जिस्म के ऊपर, या माइंड जो है वो आपके जिस्म पर रूल करता है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे तो आपका मैटर, आपकी बॉडी उसके पीछे पीछे आएगी। तो माइंड को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं यहाँ पर शायद इसीलिए आई हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि वन चॉइस कैन चेंज द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सिर्फ एक चॉइस लगती है जो आपकी उस चीज को, जैसे इशफाक अहमद बताती हैं जाविया के अंदर, कि हमारे अंदर ही वो खूबसूरती है, पारस है, वो हीरा है, वो खूबसूरती है, लेकिन जैसे मक्खियां गुड़ पे चिमट जाती हैं ना, तो हमारी उस अंदर की उस चीज के ऊपर हमारी सोचें और हमारे खौफ चिपक जाते हैं और हमें उस तक पहुंचने नहीं देते। तो वो हमारे अंदर ही वो चीज है। जैसे कि उसमें जी सब कहते हैं ना कि हम अशरफुल मखलूकात, जैसे आप हमेशा यही बात करती हैं, हम यूनिक हैं,
हम सबके अंदर कुछ ना कुछ है छुपा हुआ, हमेशा यही बात करती है कि एवरीवन इज यूनिक, एवरीवन इज यूनिक। देखो एक मेरी 10 उंगलियां हैं, ठीक है, हर किसी की 10 उंगलियां, बट हर कोई सितार नहीं बजा सकता। बिल्कुल, हर थोड़ी सी ट्रेनिंग ऑफ योर हाथ, थोड़ी सी ट्रेनिंग और इन्हीं उंगलियों में से सितार निकलना शुरू हो जाता है। सही बात है। तो ये बात नहीं होती है कि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है या मैं वो कर नहीं सकता। इंटरेस्ट होता नहीं है, इंटरेस्ट आप डेवलप करते हो। किसी भी चीज के अंदर आप अपना मेहनत करोगे और वक्त लगाओगे तो आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। और ये सारी खूबियां हमारे अंदर हैं। देखो अल्लाह ताला ने हमें बनाया है तो हमें बड़ा उन्होंने यूनिक बनाया है, खूबसूरत बनाया है, ठीक है ना। और सारी कोई भी एक इस यूनिवर्स का जो एक्ट है वो मीनिंगलेस नहीं है। अगर आप वो जो स्नोफ्लेक्स होते हैं ना, उनका अगर आप कितना जरा से होते हैं, उनका एक अपना यूनिक पैटर्न होता है। कोई भी स्नोफ्लेक दूसरे स्नोफ्लेक से नहीं मिलता। और फिर जब वो अगर वो पिघल जाए और दोबारा फ्रीज हो तो वो दोबारा अपने उसी यूनिक पैटर्न में आ जाता है। सो एक सो बेसिकली हम सबके अंदर बहुत अल्लाह ने खूबसूरती दी है, बहुत हुनर दिए हैं। हर चीज हमारे अंदर ही है, वो हमारी चॉइस है कि हम क्या चॉइस मेक करते हैं और हम अपने पे कितना काम करते हैं और हम किस तरीके से अपने आप को ठीक करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले कहा, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी, लेकिन जो उनके लिए काम करेगा, जो उनके काम करेगा। बिल्कुल। अच्छा उसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमारा जो माइंड है वो हमारी सोल से कनेक्टेड है। हर चीज अभी आजकल आप बड़ा सुनते होगे ना, बड़ा ये तो कनेक्ट विद योर सोल, कनेक्ट विद योर सेल्फ, है ना। कोई हर चीज कहते हैं अंदर अंदर को, हमें समझ आती कि चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें आप आसान सा बताऊं, देखिए सेल्फ इज दैट टोटल कॉन्शियसनेस। जैसे अगर आप उषा अपनी कोई 15 साल पुरानी तस्वीर निकाल के देखो तो आप देखो कि आपकी तस्वीर में शक्ल बदल गई है, आपकी आपकी बॉडी बदल गई है, आपके ख्यालात बदल गए हैं, आपकी सोच बदल गई है, यू नो आपकी फीलिंग्स बदल गई हैं, बट देयर इज समथिंग, क्योंकि वैसे का वैसे ही है। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो व्हिच इज थॉटलेस, एजलेस, टाइमलेस एंड डेथलेस। डिफरेंट एडिशंस ने इसको डिफरेंट नाम दिए हैं। कोई इसे सेल्फ कहता है, कोई इसे बींग कहता है, कोई से रू कहता है, कोई से स्पिरिट कहता है, कोई से गॉड कहता है, कोई से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहता है, कोई से इनर ट्रूथ कहता है, कोई से सच कहता है। इकबाल ने उसे खुदी का नाम दिया है, जात, खुदी। बहुत लिखा है उन्होंने उसके बारे में कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो वी ऑल हैव दैट स्पेस विद इन अस व्हिच इज टोटली ब्लेस्ड, विच इज टोटल ब्लेस। और जैसा मैंने आपको जाविया की भी मिसाल दी थी कि वो खूबसूरती, वो पारस हमारे अंदर ही है, लेकिन उस तक हमारी सोचें और हमारे खौफ हमें नहीं पहुंचने देते। तो ऑल द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी चीजें जो आपको हैं, वो आपको नमाज है हमारा, हर मेरी नमाज इज मेडिटेशन। मेडिटेशन का बड़ा फैंसी वर्ड लगता है, बट मराकबा इज मेडिटेशन, ऑलरेडी हमारे मजहब में मौजूद है। तो ये सारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं किसी भी तरह की, वो आपको अपने आप से मिलवाती है। एंड यू नो बुशरा, सिंपल सा फॉर्मूला है, ग्रेटर योर कनेक्शन टू द सेल्फ, ग्रेटर योर कनेक्शन टू द परफेक्ट हेल्थ। ये लाइफ का सिंपल सी वे, जितना आपका अपने आप से बेहतर कनेक्शन होगा उतना ही आपका अपने आप से बेहतर अपनी सेहत के साथ। और पता इस वक्त तो हम सबके लिए बहुत जरूरी है अपने अंदर, क्योंकि वो देखो कोरोना के अंदर वो जो इम्यूनिटी है, यानी कि कोरोना से लड़ने की क्या चीज है, हमारे अंदर की ताकत। बल्कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि अभी इस सिचुएशन में हमें पॉजिटिव रहना कितना जरूरी है, और जैसे भी कोरोना चल रहा है तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और कितना जरूरी है पॉजिटिव रहना? इस वक्त तो हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि एक सबसे पहले तो ये कि ऑल ये जो नेगेटिव इमोशंस है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम को लो कर देते हैं। फियर जो है, खौफ, ये हमारे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है हमारी इम्यून सिस्टम पे। और कोरोना से क्या चीज लड़ेगी?
हमारा इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ठीक है। सो इस वक्त तो बहुत जरूरी है कि हम अपने उस अंदर की ताकत को जो है उसके ऊपर काम करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। देखिए कल तो किसी के कंट्रोल में नहीं है ना, कल क्या होगा वो तो नहीं पता, हमारे तो कंट्रोल में है आज। और देखो जब आप खौफ ज्यादा होगे, क्योंकि वी ऑल स्पीक थ्रू आर वाइब्रेशन, ठीक है, हम सब लोग अपनी एक जबान वाइब्रेशन, आपने देखा होगा कभी कभी कमरे में कोई आता है उसको देख के दिल खुश हो जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है। कभी कभी कमरे में कोई आता है उसको देख के आपको दिल मुरझा जाता है कि उसकी नेगेटिव एनर्जी होती है। हाँ, तो वी ऑल स्पीक थ्रू आर वाइब्रेशन। इफ आर वाइब्रेशन इज ऑल स्ट्रेस्ड अप या फियर होगा उसके अंदर, तो क्या होगा, यू कैन वे ओनली स्ट्रेस। एंड वेन यू क्लेंस योर प्रेजेंस थ्रू मेडिटेशन एंड ब्रेथ वर्क और सारी जिस तरह की प्रैक्टिसेस होती है उनसे, तो क्या होता है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो पीसफुल हो जाती है और फिर जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी पीसफुल हो जाते हैं। तो देखो अभी एज अ मदर, मदर्स के लिए तो बहुत जरूरी है कि वो अपने आप को स्टेबल रखें, क्योंकि देखो बच्चे वो बनते हैं जो आप होते हैं, बच्चे वो नहीं बनते जो आप उन्हें कहते हो। बच्चे जो हैं वो आपकी एनर्जी को पिक करते हैं। योर चिल्ड्रन विल बिकम हु यू आर, सो बी यू वांट देम टू बी। तो आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी खौफजदा हों कल से? आप चाहते हो कि आपके बच्चे, हाँ, कि वो खौफजदा, उन मासूम जानों के ऊपर इतना वो इतने खौफजदा हों कि उनके इम्यून सिस्टम भी लो हो जाए? तो इस वक्त तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप पे काम करना। आपने एक, हमारे अंदर ना एक एनर्जी होती है, उसे कहते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी, एक टर्म होती है, प्राणा इज अ संस्कृत वर्ड, लेकिन उसका मतलब होता है लाइफ फोर्स एनर्जी। तो जब हमारी बॉडी के अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी कम हो जाती है तो वी फील लेजी, वी फील नेगेटिव, वी फील अनहैप्पी, वी फील सैड, राइट? और वही जो हमारी एनर्जी है अगर हम उसको ऊपर लेकर आए तो हम लोग वी फील हैप्पी, वी फील रिलैक्स, यू नो, और हमारा माइंड बहुत ही नेगेटिव चीजों को लेट गो कर देता है लाइफ के अंदर। आपने, और वो आप किस तरह से उन चीजों को अपना ऊपर लेकर आते हो, विद योर फूड, योर स्लीप, योर ब्रेथ एंड योर काम एंड हैप्पी मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। यानी कि अच्छी खुराक इस वक्त सबके लिए बहुत जरूरी है कि यू हैव टू टेक प्रॉपर डाइट, नो, जिसके अंदर आपके मिनरल्स हो, आपके कैल्शियम हो, आपके विटामिंस हो, फ्रूट्स हो, यू नो, फाइबर हो, कोई डाइट शाइट नहीं करनी, रोटी चावल चीजें, ये सारी चीजें, हाँ, इस वक्त ये आपने अपनी, यानी कि अपनी एनर्जी को कैसे आपने ठीक करना है, अपनी खुराक से, फिर अपने अच्छी नींद से, ये रातों को 3-3 बजे तक जागना, 4-4 बजे तक जागना, ये बिल्कुल, क्योंकि कहीं भी हर कोई रूटीन से निकला हुआ है, तो फिर क्योंकि हमें नेचर के जब हम रिदम से निकलेंगे ना तो वो सही नहीं होता है। हर चीज का एक रिदम होता है, अभी हम रिदम के ऊपर बाद में बात कर लेते हैं, पहले आपको मैं सिर्फ ये बताऊंगी नींद, अच्छी नींद, यू नो, एवरीबडी हैज टू स्लीप प्रॉपर ऑन टाइम, लाइक 8 घंटे ही नींद कम अज कम आप सबको लेनी है, ठीक है ना। नींद जो है वो आपके सारे सिस्टम को सेट रखती है। अगर आपकी, देखो कभी कभी अगर आप 3 घंटे सो गए या 4 घंटे सो गए, यू फील लेथार्जिक, यू फील लेजी, यू फील सैड, यू फील अनहैप्पी, राइट? और वैसे आपके इंटरनल सारे सिस्टम भी खराब होंगे। तो नेचर के रिदम में रहना ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑटोमेटिकली आप फ्रेश रहेंगे, आप ऑटोमेटिकली फ्रेश रहेंगे इस वक्त तो बहुत, अभी जो आप करेंगे आपके बच्चे वही फॉलो करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपने फर्म होके अपने जो रूल्स होते हैं घर के, यू नो, अगर आप फॉलो करेंगे तो बाकी 2-4 दिन आता नहीं करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम बन जाएगा। एक घर का जो सिस्टम है वो माँ बाप ही बनाते हैं, तो आप जो करेंगे आपके बच्चे वो पिक करेंगे। फिर आपका ब्रेथ, सांस, जो आपको मैं बताई थी कि विद योर ब्रेथ एंड फिर योर काम हैप्पी एंड मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, ये वो 4 चीजें हैं जो आप अपनी, जिस तरह, जिनके ऊपर आप अपनी एनर्जी के ऊपर काम करके आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, अपने दिमाग को पुरसकून रख सकते हो और बीइंग इन प्रेजेंट। क्योंकि देखो वही बात है कि कल तो हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, फिर जब होगा तो फिर सबके साथ ही होगा, हर कोई इसी के अंदर है। गिव योर 100%, फॉलो दो SOP। ये नहीं मैं आपको कह रही कि आप बिल्कुल ही छोड़ दें, ये तो हदीस में भी है कि अगर आपके पास ऊंट है तो पहले उस ऊंट के गले में रस्सी डालें, फिर उसको खूंटे से बांधें, फिर उसको अल्लाह पे छोड़ें, फिर अल्लाह पे छोड़ें। 100% देना है,
आपने सारी अपनी तदबीर हिफाजती रखनी है, सुपी करने हैं अपने घर के अंदर, जो भी आपकी जो भी आपका सारा सिस्टम है उसे ठीक करके अपने सारी आपने वो सारी चीजें करनी है। और उसके बाद फिर ताकि आपको बताओ कि आपने 100% दिया है और उसके बाद फिर अल्लाह पे छोड़ दे, फिर जब होगा तो फिर सबके साथ ही है, सब कुछ हो जाएगा, सबको मसले भी वही होते, सोचो कि कामों का क्या होगा, पैसों का क्या होगा, हर किसी के लिए सब कुछ हो जाएगा। फेथ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप सही कह रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग हमसे एग्री भी करेंगे कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं मगर अल्लाह पाक चीजों को करवा ही देता है, और ये हम सब इस बात पे सब एग्री करेंगे इस चीज से कि हम खा भी रहे हैं, हम अल्लाह का शुक्र है कि सांस भी ले रहे हैं, सेहत के साथ जिंदगी गुजार भी रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। अब देखो बुशरा, अगर आप अपनी पिछली जिंदगी पे देखो, अभी आप हम लोग सब परेशान है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, कामों का क्या होगा, तनख्वाहों का क्या होगा, मतलब हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रगल्स हैं इस वक्त लाइफ की, बच्चों का क्या होगा, हेल्थ का क्या होगा। बट अगर आप देखो कि आज से 6 महीने पहले या अपनी जिंदगी में अगर आप पीछे मुड़ के देखो तो इस तरह के बड़े मकाम आए जो आपको समझ नहीं आती। अगर आप सोचो तो आपको हाय मैंने कैसे किया था, कैसे गुजरी हुई थी, कैसे हुआ था, कैसे मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। एक अल्लाह की एक ताकत होती है जो आपके साथ होती है, वो इंसान के बस की बात नहीं है। कहते ना कि अल्लाह ने आपको कभी भी वो चीज नहीं देता जो आप हैंडल ना कर सको। तो खुदा ना खासा अगर कोई मुसीबत परेशानी तकलीफ हमारे पे आती है तो खुदा ताला पहले साथ उसको हमें ताकत देता है उस चीज को करने की और सारा। तो हम अपनी जिंदगी में हम देखे तो हम बड़ी दफा परेशान हुए, बहुत दफा हमने कहा कि हाय मैं मर जाऊंगी, ये हो गया वो हो गया, अब ये कैसे होगा, बट गुजर के बैठे है ना, आज आप ठीक ठाक बैठी हो, कितनी देर से गुजर के बैठी हो, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्योंकि देखो अल्लाह ताला ने हर इंसान को 100 में से 70% नवाजा हुआ है, 70% हैप्पीनेस सबके पास है, जो 30 का खाना हर किसी का खाली है। अभी कोरोना मैं नॉर्मल, अभी कोरोना तो नॉर्मल ना, मैं नॉर्मल से बात कर रही हूँ कि हर इंसान की जिंदगी में 70% मौजूद होता है और 30 का खाना हर किसी का खाली होता है। किसी को खिंच होती है औलाद की तरफ से, किसी को पैसे की तरफ से, किसी को मोहब्बत की तरफ से, किसी को काम की तरफ से, किसी को पेरेंट्स, किसी को फैमिली, किसी को बहन भाई। अगर आप अपने आप को उठा लो, मुझे उठा लो, ओबामा को उठा लो, फकीर को उठा लो, किसी को उठा लो, हर किसी की जिंदगी में 70% होता है, 30 नहीं होता। और हम क्या करते हैं उस 70 को भूल के उस 30 के पीछे पड़े रहते हैं। सही बात है। हाय अल्लाह मेरे पास क्यों नहीं, हाय मेरे पास क्यों नहीं हो। देखो अब हम लोग जो जिंदगी गुजार रहे थे, क्या जिंदगी हम लोग गुजार रहे थे, भाग दौड़ में लगे हुए, हम लाइफ की एक्सेसरीज के पीछे पड़े हुए थे कि हम असल जिंदगी को भूल गए थे कि जिंदगी की हकीकत क्या है। तो जिस तरह मुझे तो लगता है कि जिस तरह एक माँ होती है ना अपने बच्चे को, जब बच्चा बहुत तंग करता है, माँ कहती है चलो कमरे में बैठो देखो तुमने क्या किया, जाओ कमरे में जाके बैठ के देखो तुम लोगों ने क्या किया, सोचो और अपने आप को बेहतर करो। और इंसान सेल्फ एनालिसिस करने वाला टाइम है ये कि देखो समझो अपने इनर वर्ल्ड में जाकर। अभी ये जो 4-5 महीने की सिचुएशन थी इसके अंदर लोगों की प्रायोरिटीज चेंज हो गई है, खर्चे कितने कम हो गए हैं, लोग भाग रहे होते थे, हमें लगता था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ है जी, कि मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतने जूते हैं, डिजाइनर बैग है, मैं कितना ट्रैवल करती हूँ, सारी कि मेरे पास इतने लोग मेरे लिए काम करें, हमें लगता है क्वालिटी ऑफ लाइफ वो है। बट इस कोरोना की सिचुएशन हमें बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ वो नहीं है जो हमने सारी जिंदगी में इकट्ठी करनी है। जितना बड़ा आपका घर हो और आप सुकून नहीं है तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ का नहीं है ना, फायदा नहीं है उसका, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। तो हमें इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया, लोगों की पता चला है कि असलियत क्या है, और कम चीजों में भी आपका बहुत आराम से, अब हर किसी का कम पैसों में गुजारा हो रहा है ना, गुजारा हो रहा है बिल्कुल। उस तरह से वो जो भाग दौड़ में, वो अब सारे लोग घरों में चप्पलें पहन के फिर कोई कपड़े वही अपने सिस्टम करो, बड़े फैमिली बहुत कनेक्ट हुई है, कनेक्ट हो गई है बिल्कुल। और लोगों को अपनी प्रायोरिटीज का भी वक्त मिला है कि अपनी दोबारा से अपनी प्रायोरिटीज को चेंज करें, क्योंकि मुझे भाग दौड़ थी, देखा दाखी और एक बिल्कुल वो जो बिल्कुल वो था, उसके बाद एक बार दिमागों को भी सुकून आ गया लोग उससे। और जैसे उसमें आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब उनको जब हम बताते हैं इस तरह की बातें, वो कहते हैं कि अभी मेरे पास ये सिचुएशन, अभी मैं क्या करूँ, फर्स्ट स्टेप
तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप बता दें कि अभी जैसे कि हम घर पर हैं, तो अभी घर पे रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसा ऐसी कोई चीज, कोई फर्स्ट स्टेप, यू नो स्टेप वाइज घर के ऊपर। चलो एक हम ब्रेथ वर्क करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग अभी करते हैं, पहले तो जो मैं इतनी जैसे ब्रेथ 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 कर रही हूँ आपको, मैं एक पावर ब्रेथ करा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ब्रेथ जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जस्ट क्लोज योर आईज, बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, हैंड फेसिंग अपवर्ड ऑन योर नीज। ठीक है, आपकी हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, आपकी नीज पे, बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। क्लोज योर आईज, हम लोग पहले बुशरा आगे खोल के भी देख लें, पहले सब लोग समझ में, हम नाक से इनहेल करेंगे। ठीक है, और फिर उसको हम रोकेंगे, सांस को रोकेंगे रोकेंगे, और फिर हम मुंह के जरिए उसको एक्सहेल करेंगे। ठीक है, इनहेल फ्रॉम योर नोज, होल्ड 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 एंड ब्रीद आउट फ्रॉम योर माउथ विद द हार्ट साउंड, और साथ विद द हार्ट साउंड। ओके ठीक है, ओके ठीक है, क्लोज योर आईज, सब लोग आंखें बंद कर लें, अपने फोन को साइड पे रख दें, एंड एक लंबा गहरा सांस फ्रॉम योर नोज, एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन फ्रॉम योर नोज, होल्ड द ब्रेथ, होल्ड Hold, and breathe out from your mouth with a ha sound. Breathe in from your nose. Hold the breath. Hold, hold, hold. And breathe out from your mouth with the ha sound. Breathe in Khuda ka noor. Hold the noor. Hold, hold, hold. And breathe out all the fears, all the doubts, all the anxiety. Very slowly and gradually, you may open your eyes. How are you feeling? That's lovely. That's instant boost, I must say. It's just three breaths. Yes, sir. Teen saans the. Look at peace of mind. Kya hota hai? When you have things and you are not bothered, and when you have nothing and you're not bothered, that is peace of mind. जिस तरह नेचर का एक रिदम होता है, जैसे हम अभी रिदम की बात कर रहे थे, सूरज निकलता है अपने टाइम पे, गुरूब होता है, सीजन आते हैं सीजन जाते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी का भी एक रिदम होता है। हम एक सर्टेन टाइम पे नींद आती है, एक हमें सर्टेन टाइम पे भूख लगती है, ऐसे ही है ना। इसी तरह हमारी सोचों का भी एक रिदम होता है, हमारी फीलिंग्स का भी एक रिदम होता है, हमारे ख्याल, हमारे थॉट्स का भी एक रिदम होता है, हमारी का भी रिदम होता है, और हमारा दिल रिदम में रहता है। कैसे लगता है? धक 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 धक। और जब वो रिदम से निकलता है तो डॉक्टर हमारा हार्ट चेक करता है, वो देखता है कि उस रिदम में नहीं है, तो उस समय क्या कहता है, हमारी तबियत खराब हो गई है। तो हमारी रूह का भी एक रिदम होता है। सो इनलाइटमेंट इज नॉट गेनिंग एनीथिंग, जस्ट हार्मोनाइजिंग योर होल सिस्टम रिदमिकली। ठीक है ना। तो आप वही बात है कि अगर नेचर के रिदम से निकलोगे तो वो फिर सही नहीं होता है। अभी क्योंकि नेचर ने जो हमें सजा भी दी है ना, वो भी इसीलिए दी कि हम लोग सारे नेचर के रिदम से निकल रहे थे और वो हमें उस चीज का, तो ये रात, तो नेचर की रिदम में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी इस टाइम के ऊपर जितना आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को बिजी रखना बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो मेडिटेशन का नाम सिर्फ ये नहीं है कि यूं बैठ के और आप हाथ करके और मेडिटेशन, जो हमारे दिमागों में, नो, दैट इज सिर्फ मेडिटेशन नहीं है। हमारे पुराने वक्तों के अंदर देखो, हमारी जो दादी या नानी या हमारी इवन माए, उन लोगों को इतने डिप्रेशन वगैरह नहीं होते थे। आजकल के जमाने में ज्यादा हो रहा है, राइट, हो रहा है।
बच्चों को भी हो रहा है अब तो बच्चों को भी हो रहा है बिल्कुल, उसकी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही हैं उसके बच्चों के करने के अंदर। एक और वजह बहुत ज्यादा आ गई है सोशल मीडिया। आपको पता है इंस्टाग्राम का कितना ज्यादा डिप्रेशन है? सही बात, क्योंकि आप लोगों को आप पिक्चर परफेक्ट देख रहे हो, यू नो आप देख रहे हो कि लोग परफेक्ट है जबरदस्त। हमें पता है कि हर कोई अंदर वो क्या कहते हैं, पता है आप उनको देख रहे हो तो आपका सब कॉन्शियस जो है ये देख रहा है कि ये लो, और अपने आप को बिहाइंड द कैमरा देख रहे हो। बिल्कुल इस चीज का कॉन्स्टेंट हमारे उसके ऊपर जो है ना वो हमारे उसके सिर्फ एक। तो अभी हम लोगों की आजकल की बच्चियों की बच्चों की लड़कियों की बहुत टफ है उनकी जिंदगी के अंदर ये सारी चीजें जो सारा कुछ आ गया है, क्योंकि ये आपके कॉन्स्टेंट आपके माइंड के ऊपर बर्डन है। तो इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सब लोग घरों के अंदर हैं, तो ऑफकोर्स सब लोगों की क्योंकि हाउस हेल्प भी सब लोगों की घरों के अंदर नहीं है इस वक्त, सब लोगों ने छुट्टी पे भेजा हुआ है काम शाम। एक तो ये कि आप अगर काम कर रहे हो तो आप बच्चों को भी अपने साथ लगाओ ना, उनके जिम्मे दो ताकि उनको सेंस ऑफ इनकॉम्प्लिशमेंट हो, उनको हो उनको मिले कि मैंने ये ना ये चीज की उनको बेड की चादर ठीक करनी है ये करनी है इस तरह की। खैर वो तो एक अलहदा वो है, लेकिन आपको खुद आपके लिए बहुत जरूरी है कि इस वक्त आप सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज करें। कुकिंग के डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं नो, अब यूट्यूब के ऊपर जाओ, डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज है, डिफरेंट डिफरेंट मेडिटेशन है, डिफरेंट योगा है, तो इन सारी चीजों को पॉजिटिवली यूज करें और अपने आप को बिजी रखें। बिजी रहना, आई थिंक ज्योति इट्स अ ग्रेट टाइम टू लाइक कि आप ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट चीजों को, नई चीजों को, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड टाइम, राइट? मैं बिल्कुल सभी कहती हूं कि यूज दिस लॉकडाउन टू अनलॉक नेगेटिव साइड। हम हर वक्त कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं, तो यूज दिस लॉकडाउन, यू हैव टाइम, और हर किसी के अंदर टैलेंट है। अब इस वक्त आप सोशल मीडिया को यूज करें डिफरेंट डिफरेंट। देखो फलूदा है, जैसे फलूदा कहाँ से आया, किसी को तो ख्याल आया होगा ना फलूदा बनाने का। आप अपनी कुकिंग के अंदर एक्सपेरिमेंट करें, मजे मजे की कोई कुछ राइटिंग करें, कोई लिखें, कोई पोएम लिखें, कोई एनीथिंग, ये मत समझें कि आप ये नहीं कर सकते और कुछ नहीं, तो जर्नल लिखना शुरू करते हैं, क्वारंटीन जर्नल लिखना शुरू करते हैं। तो आई थिंक ये भी हम अपनी टिप में लेते हैं, जैसे आपने ब्रेथ वर्क का बताया तो जर्नल भी जो है हमारी टिप में आता है कि यू कैन स्टार्ट, अभी कुछ नहीं कर सकते, जो भी इतनी जबरदस्ती आपने ये ब्रेथ वर्क बताया वो स्टार्ट करें और जर्नलिंग शुरू करें, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। आप ये सुबह उठ के ये 10 ब्रेथ करो, पावर ब्रेथ, ठीक है? दोपहर अब इवन आप बच्चों को भी करा सकते हो, आप दोपहर को 10 ब्रेथ करो, रात को सोते वक्त 10 ब्रेथ करो, स्टार्ट समथिंग, इंतजार मत करें, बस शुरू करें। आपने एक कदम लेना है और फिर आगे एक और कदम जुड़ जाएगा, फिर एक और कदम जुड़ जाएगा और फिर चलते चले जाओगे, ठीक है ना? टेक वन डे एट अ टाइम। जैसे आप आज सुबह उठी हो बुशरा, आपने क्या सोचना है कि आज के दिन को मैंने अपने बेहतर कैसे बनाना है? टेक वन डे कि आज का दिन, कल आप समझो फ्राइडे, आप फ्राइडे को उठे हो, आप कहोगे आज फ्राइडे को मैं अपने आप को कैसे बेहतर बना सकती हूँ आज के दिन। कोई मूवी देखनी है, कोई कुछ भी, नो एनीथिंग, ये मैंने कोई कोई बड़े बड़े काम करने, व्हाटएवर, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, जो भी आपका आज के दिन को, कोई म्यूजिक सुनना है, कोई गाना सुनना है, कोई काम करना है, एनीथिंग, यू नो। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है इस टाइम के ऊपर, फिजिकल एक्सरसाइज, डू योगा और डू एक्सरसाइज, वही कह रही हूँ, यूट्यूब भरा पड़ा है उसको इस वक्त यूज, क्योंकि आप कितनी यू नो 5 मिनट की एक्सरसाइज, 10 मिनट की एक्सरसाइज, 15 मिनट की एक्सरसाइज, कुछ भी आपने एक्सरसाइज करनी है ताकि आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपकी सर्कुलेशन आपकी हो और आपका जो माइंड है वो बेहतर तरीके से काम कर सके, ठीक है ना? वैसे मुझे यकीन है कि आपने अब तक जितनी बातें करी हैं कि उससे लोग जो है 70% तो एक्शन में आ गए होंगे, और मैं तो बिल्कुल आ गई हूँ एक्शन में। अगर मैं जो चीजें नहीं करती थी मुझे वो भी करनी है। टाइम हमारा जो है खत्म हो रहा है और हमारा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है कि आपको हम जाने दें, आई स्वेयर अदर चाह रहा है कि आप बोलती रहे, हम सुनते रहे और आपकी मजे मजे की इतनी इंफॉर्मेटिव बातें। चैनल है जर्नी टू जॉय के नाम से, ठीक है, और फेसबुक पेज भी, इंस्टाग्राम भी, उसके ऊपर मैंने लॉकडाउन की 101 एवरी डे मैंने उसकी वीडियोस करी थी, उसके अंदर एक ब्रेथ वर्क और उसमें मैं होमवर्क भी था,
तो अगर आप वो डीवीडीओ वन से शुरू कर लो ना तो आपको उसको भी काफी हेल्प मिल जाएगी. एक ब्रेथ वर्क, एक नॉलेज और होमवर्क. आज आपने क्या होमवर्क करना है, कुछ लिखना है, कुछ करना है, तो उससे आपको ना स्टेप बाय स्टेप आपको एक चीज का वो मिल जाएगा. और उसके अलावा हमारा भी नेक्स्ट थर्सडे से भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट. बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रही थी कि आप जो करवाती हैं हैप्पीनेस प्रोग्राम, वो मैंने खुद किया है एंड आई एम विटनेस के मेरी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आई है. सो यू मस्ट गो एंड डू दिस प्रोग्राम, मतलब दिस इज मस्ट, मतलब यू हैव टू. और इस सिचुएशन में तो मुझे लगता है कि हर किसी को करना चाहिए. बस वही बात है. सो टाइम खत्म हो गया. बिल्कुल. और थैंक यू सो मच उज्मा जी, आपने हमें टाइम दिया. बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमारा ये प्रोग्राम हुआ. हम आपको इंशाल्लाह फिर आपको बुलाएंगे अपने शो में, आपके पास टाइम होगा तो. और आप बहुत अपना ख्याल रखें. आप लोग सोच रहे हैं, अल्लाह मियां आप सबको आसानियां अता फरमाए और तो आसानियां बांटने का शर्त अता फरमाए. देखिए आप लोगों ने एक जो मैं आपको एंड की बात कहूंगी कि रोज आपने उठ के सोचना है कि आज के दिन को मैंने अपना कैसे बेहतर बनाना है और आज के दिन को मैं दूसरों के लिए कैसे बेहतर बना सकता हूँ. हमारा मिशन जिंदगी में कुछ और नहीं है. हमारा मिशन सिर्फ ये होना चाहिए टू लीव बिहाइंड अ बेटर वर्ल्ड व्हाट देन इनहेरिटेड. ठीक है ना? एग्जैक्टली. आप उसके मुताबिक देखो कि आप क्या कर सकते हैं. कोई बड़े बड़े काम नहीं करने, जस्ट आप लोगों को खुदाफिज कहूंगी और हम फिर हाजिर होंगे एक वंडरफुल शो के साथ. और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें. और अगर कुछ पूछना चाहते हैं उज्मा जी के बारे में तो प्लीज हमें कमेंट करें. हम कोई प्रोग्राम के बारे में या जो भी आप लोगों के कमेंट हो कि हम अपना प्रोग्राम कैसे बेहतर कर सकते हैं, प्लीज हमें जरूर बताएं. एंड लव यू ऑल. और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. पीस एंड ब्लेसिंग्स.